तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा फ्लेवर्स ऑफ यूथ एनिमे मूवी के बारे में। तकरीबन जो इसकी लेंथ है वो 1 घंटा 14 मिनट है। आप इसको मूवी ना कहकर एक तरीके से 3 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज कह सकते हैं, क्योंकि हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का दिखाया गया है। जो पहला एपिसोड है द राइस नूडल, सेकेंड एपिसोड है लिटिल फैशन शो, थर्ड एपिसोड है लव इन शंघाई, और जो ये एनिमे मूवी है या फिर एक छोटी सी एनिमे सीरीज है, इसको जो है दो मतलब चीन और जापान इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ओके, अगर इसके फर्स्ट एपिसोड की बात करूं द राइस नूडल, तो देखो यार इसके अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ ज्यादा क्या मतलब, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी कहानी इसके अंदर दिखाई जाती है। एक तरीके से जब आप इस एनिमे मूवी मतलब ये जो पहला एपिसोड आप इसको देखोगे, द राइस नूडल को देखना शुरू करोगे, तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यार इसमें इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। इसके मतलब इसमें जब बताया जाता है, जैसे इसका नाम है द राइस नूडल, तो इसमें ज्यादातर मतलब फोकस खाने पर ही रहता है। एक बचपन में एक बच्चा अपने दादी के साथ नानी के साथ एक स्पेशल डिश खाया करता था, तो उसकी याद में वो बैठा आज मतलब जब वो बड़ा हो चुका है, अब वो चीजें नहीं रही हैं, तो वो उसकी वो याद कर रहा है, वो खाना वो टेस्ट ढूंढ रहा है कहीं हमें मिल जाए। तो ये वाली स्टोरी इसके अंदर दिखाई गई है। ऐसा काफी सारों के साथ होता है कि हाँ उन्होंने बचपन में कोई ऐसी डिश खाई थी जो आज तक उनके दिमाग में वो सेट है, वो टेस्ट आज तक वो भूले नहीं है, तो वो वाली चीज इसके अंदर दिखाई गई है। इसमें कोई भी टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है। ये मूवी मतलब जो एपिसोड है उसको आप एक तरीके से एवरेज कह सकते हो। अब एवरेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने कोई सस्पेंस मतलब सोचा था कि यार कुछ आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सस्पेंस मुझे कोई मिलता नहीं है। सेकंड एपिसोड पे जब जाता हूं तो मुझे उससे मतलब उम्मीद ये होती है कि यार हाँ यार चलो ठीक था, ये निकल गया, इसमें हमने याद देख ली, शायद हमें सेकंड एपिसोड में कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। जो सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है लिटिल फैशन शो, भाई साहब वो तो मतलब पूरा मूड ही खराब कर देता है, कुछ भी नहीं होता। एक लड़की है, वो फैशन मॉडल है, तो अब उसकी अपनी बहन के साथ रहती है, अब छोटी बहन के साथ उसकी देखभाल करती है, उसकी छोटी बहन का नाम लुलू होता है। तो ये जब दोनों एक साथ रह रही होती हैं, जब बड़ी बहन जब इसकी जो मॉडल होती है अपनी लाइन के अंदर अपनी इंडस्ट्री के अंदर नए नए फेस आ रहे होते हैं, अब एक लड़की जब इसको आके मिलती है वो भी मॉडलिंग कर रही है, जिससे ये जो मॉडल जो पुराने वाली यानी लुलू की बहन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसलिए लुलू की बहन कह रहा हूं, तो ये लुलू की बहन इनसिक्योर महसूस हो जाती, मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील करती है कि यार अब अगर ये आ गई मेरा क्या होगा, और इस चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, इसका खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अब इसकी बहन इसके हेल्प करती है, यानी लुलू हेल्प करती है अपनी बड़ी बहन की कि भी हाँ ये कम बैक कर सके, कैसे ये कम बैक करती है, कैसे चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस वापस लेके आती है, तो ये सारी चीजें जो है वो सेकंड एपिसोड में दिखाई जाती हैं। अब शायद सुनने में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, कहानी को थोड़ा अच्छा बनाया जा सकता था, डिफरेंट एंगल से दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी हम इसमें इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, करेक्टर डेवलपमेंट हमें इसके अंदर नहीं मिलती है। तो ये वाला जो सेकंड एपिसोड है ना, तो यार इसने पूरे मतलब पूरे मूड को खराब करके रख दिया था। फर्स्ट एपिसोड मुझे ठीक ठाक ही लगा था, तब मैंने कहा वो एवरेज है, मैंने जब इस सेकंड एपिसोड को देखा था मैंने कहा चलो वही अच्छा था यार फर्स्ट एपिसोड देखा था। अब थर्ड एपिसोड की बात करूं, देखो यार बिल्कुल भी मतलब कोई भी उम्मीद नहीं रह गई थी यार इसमें कोई अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन जब थर्ड एपिसोड स्टार्ट होता है जिसको देखकर लगा कि हाँ यार इसमें मेहनत की गई है। दरअसल जो इसकी कहानी दिखाई गई है, एक लड़का उसको एक कैसेट दी जाती है, बचपन में जो टीनेज होता है उस एज में उसको एक कैसेट देती है, एक लड़की जो है वो कैसेट देती है। अब अपनी ईगो के चक्कर में, अपने गुस्से के चक्कर में वो कैसेट को सुनता नहीं है। रीजन ये होता है कि मतलब रीजन तो मैंने बताई थी ना, वो गुस्से के चक्कर में वो कैसेट नहीं सुनता। अब काफी टाइम बीत जाता है, वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, काम करने के लिए कहीं बाहर चला जाता है, और सामान जब वहां लेके जाता है तो वो कैसेट अपने साथ लेके चला जाता है। अब वो उस कैसेट को जब देखता है कि उसको याद आती है कि हाँ यार ये उसने दी थी, एटलीस्ट इसके अंदर सुनू तो सही, इसमें ऐसा है क्या। जब वो उस चीज को सुनता है, उस कैसेट को फिर से सुनता है, मतलब पुराने टाइम में कैसेट चला करती थी, तो उसको जब वो सुनता है तो एहसास होता है कि यार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपने टीनेज के टाइम में, ये कैसेट वो पहले क्यों नहीं सुनी उसने, वो इमोशन जो है उसने बताए वो उसने क्यों नहीं कैप्चर किए। तो यहां पर हमें लगता है कि यार ये जो कहानी है इमोशनली हमें छू जाती है, हमें इमोशनल कर देती है, इसमें करेक्टर डेवलपमेंट अच्छे लगते हैं, एक तरीके का जो ट्विस्ट जब ये कैसेट सुनी जाती है, हमें सुनाई जाती है, तो वो ट्विस्ट हमारे सामने निकल के आता है। और जो ये वाली चीज लगी ना, लगा कि यार हाँ यार यहाँ पर जापान की एनिमे हमें देखने को मिल रही है, एक्चुअल में है ये शंघाई जो है वो चाइना की, मतलब ये तीनों एपिसोड लगभग
लगभग जो वो चाइना में ही दिखाए जाते हैं। तो यहां पर लगता है कि यार यहां टच आया है जापान वाली एनिमे का, इमोशनली हम इससे कनेक्ट हो रहे हैं, करेक्टर डेवलपमेंट हमें अच्छी लग रही है, कहानी हमें अच्छी लग रही है, और शुरू से लेकर आखिर तक हम इसके साथ बंधे रहते हैं और हमें जानने की इच्छा होती है कि क्या है इसके अंदर, एटलीस्ट उसने ऐसा क्या बोल दिया, जो लड़का अभी भागा भागा इस कैसेट को सुनने के लिए जा रहा है। तो थर्ड एपिसोड के देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यार आप इसको, इस फ्लेवर ऑफ यूथ मूवी को आप देख सकते हो। अब यार देखो, फर्स्ट एपिसोड आप एवरेज, मैं जैसे मैंने कहा एवरेज है, आप उसको देख सकते हो, मतलब इसमें कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। सेकंड एपिसोड बेशक स्किप करो यार, कोई फायदा नहीं, अपना टाइम खराब करेंगे, 20 से 25 मिनट को इसको खत्म करो, कोई भी फायदा नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं देखने को मिलेगा। आप जब ये देखोगे तब ऐसा लगेगा यार ये बनाया क्यों गया है, इसका रीजन क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये लोग, तो वैसा कुछ इसमें नहीं मिलता है, मतलब कि कुछ भी मैसेज भी ना हो, इवन वो जब देखते हैं तो एकदम डल सा महसूस होता है। तो सेकंड एपिसोड बिल्कुल मिस करो, मतलब मिस क्या, मैं स्किप करूं, थर्ड एपिसोड देखने लायक है। तो फर्स्ट और थर्ड एपिसोड के तौर पर मैं इसको, इस फ्लेवर्स ऑफ यूथ एनिमे मूवी को या छोटी सी एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 10 स्टार। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई एनिमे सीरीज मुझे पसंद नहीं आती है या मूवी पसंद नहीं आती, ये ऐसी हुई है यहाँ पर, तो वही इतना ही है बस। अगर आप लोगों को ये एनिमे मूवी देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में है, चाइनीज में है, जैपनीज में है, सब टाइटल भी है, सब कुछ वहाँ दिए हैं, लेकिन हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, ना सब टाइटल है ना डबिंग में है, कुछ भी नहीं है। तो बेशक आप लोगों को समझ में आ जाएगी, जिनको थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि इंग्लिश उंग्लिश का, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगर किसी ने देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी, अगर जिन्होंने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, लास्ट वाला एपिसोड काफी अच्छा है, उसको देख सकते हो, फर्स्ट भी देख ही सकते हो। तो बस इतना ही रखते हैं यार, ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।